मान जी दूसरी पारी खेलने जा रहे हैं, जनता का स्नेह, जनता का प्यार जो आपको मिल रहा है, आपकी चेहरे की मुस्कुराहट बहुत कुछ ब्याह करने कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये फैसला भी आप ही ने कर दिया कि चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो कुछ ब्याह कर रही है जी, तो इसको आप समझ लीजिए कि इस मुस्कुराहट के पीछे राज क्या है। तो मैं कह सकता हूँ कि भरपूर प्यार मुझे मेरी जनता का मिल रहा है और राजनीति में आए ही प्यार कमाने के लिए। दीमान जी, जब रण में योद्धा जाता है, चेहरे पे हवाइयां उड़ी होती है, मुरझाया हुआ चेहरा होता है, मगर आपके चेहरे में जो ये खिला मुस्कुराहट है, इस मुस्कुराहट को जनता जानना चाहती है, आखिर इस मुस्कुराहट का राज क्या है? इसके पीछे और कोई राज नहीं, इसके पीछे राज अपने कर्मों का विश्वास, और जनता ने जो 2017 में विश्वास दिया था उस विश्वास को कायम रख पाना यद्यपि चुनौती थी, लेकिन उस विश्वास को मैं पूंजी समझता हूँ, उसको मैं रख पाया हूँ, तो संभवतः मेरे चेहरे की जो तबस्सुम, जो कांति, जो होज आप देख रहे हैं, ये वही है। कुछ विरोधियों का कहना है बहुत ज्यादा व्यक्तिगत भी उन्होंने प्रहार आपके ऊपर किए और उन प्रहारों को आपने हंसते हुए टाल दिया। आज आपका जो जन सैलाब यहाँ पे देखने को मिला और राजनाथ सिंह जी जो देश के रक्षा मंत्री है, उनके आने के बाद जो सिनेरियो यहाँ का बदला है, आज जनता कुछ सोचने के लिए मजबूर है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सीधी सी बात करूं कि हम व्यक्तिगत तब होते हैं जब आपके पास मुद्दों की दरकार हो। अब मुद्दा विहीन हो तो आप व्यक्तिगत लांछन लगाना शुरू कर देते हैं। मैं तो आह्वान करता हूं आपके माध्यम से कि आइए विकास पे बात करते हैं जिसके लिए हम चुन कर जाते हैं। आइए हम ईमानदारी के साथ इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो 2012 से 17 तक आपने किया, आप उसका लेखा जोखा लेके आए। 17 से लेके 22 तक जो मैंने किया, मैं वो आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, और फिर जैसे मैंने अभी भी एक पूर्व के इंटरव्यू में कहा, फैसला जनता को लेना है। आज मुद्दा क्या रहेगा, क्योंकि कुछ दिन बचे हैं जनता के बीच में, आपका जो मुद्दा रहेगा जनता के बीच में, जो मेन मुद्दा है वो क्या रहेगा? वोट मांगने। देखिए, आपने एक व्यक्तिगत शब्द की बात, जी 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 जी, वो व्यक्तिगत हुए जी, वो कभी तो जाति पे कोई बात करते हैं, कभी परिवार पे बात करते हैं, कभी कहीं कहीं जाकर वो फिर वो क्षेत्रवाद की बात करते हैं, तो मुझे उनकी अपनी रणनीति हो सकती है। मेरी रणनीति सीधी सीधी है कि मैं जनता के बीच में हूँ और मुझे उनसे प्यार, उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। जहाँ तक आपने दूसरी बात की कि रणनीति क्या हो सकती है, कोई रणनीति नहीं, सीधा सीधा लोगों के बीच में है, और जो मुझसे नाराज है, अब देखिए गिला किसको होता है, जो कभी आपके गले लगा हो जी, तो जो कभी गले लगा उसको गिला है, तो फिर से गले लगा कर उसके साथ से। और मुझे उसमें पूरी तरह से कामयाबी मिल रही है, और एक अभी अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी आगे देखें तूफान बन के हम लोग इस विधानसभा के कहने का मतलब ये है, और अंत में मेरा एक सवाल रहेगा कि धीमान जी, बहुत आपके ऊपर जो सबसे बड़ा जो आपके ऊपर एक श्रेय है, जो जनता आपको बोलती है, ईमानदार छवि, बेदाग छवि, कोई आपके ऊपर एक छोटा सा भी छीटा नहीं है, सफेद चादर है, ये ईमानदार छवि आने वाले समय में, राजनाथ सिंह जी ने अभी कहा है कि इनको विधायक बना के भेजें और मैं आऊंगा, उसके बहुत मायने निकलते हैं, क्या कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी? सर, मैं एक सवाल और जोड़ना चाहूंगा साथ में, रक्षा मंत्री जी ने आपको एक मेडल दिया है, आज आपको ईमानदार और शरीफ व्यक्ति बताया है, तो उसके बारे में भी कुछ कहें आप? उनका मेडल ये शुरुधार्य, देखिए जब हम राजनीति में नहीं था मैं जब, तब भी हम कहते थे कि राजनीति में सुचिता होनी चाहिए, अगर उस भाव से राजनीति में आए और हम भी उस दलदल में फंस जाएं, तो राजनीति में आने का जो हमारा औचित्य था वो पूरा होता हुआ नहीं दिखता है। और लोगों का विश्वास 2014 से पहले, सच कहूं तो, राजनीति से उठ गया था, लेकिन इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने फिर से एक लौ हम सब के मनों में जगा दी है कि नहीं, राजनीति में भी अच्छे आदमियों को आना चाहिए, तभी हम। सर, एक प्रश्न और बीच में ठोक रहा हूँ क्योंकि प्रश्नों की बोछार है, पर क्या करें, मजबूरी है, पूछना भी रहा। एक लास्ट में आपसे पूछने की, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां,
अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, गैरों ने आके आज हमें थाम लिया है, जसिमपुर की जनता ने जो आज आपको थामे है, इस जनता को क्या कहना चाहेंगे? बस इतना कहना चाहूंगा आपके ही लहजे में कि दिल चीज क्या है, दिल चीज क्या है, मैं रूह में उतर जाऊंगा, आप चाहते रहना यूं ही चाहने वालों की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद।